क्या चाहिए, 10 व्यूज, 1 लाइक, इतना मिल गया अपन नंगा नाच के चादर तान के सो जाएगा, तो वो 1 लाइक आपका है, दे जाओ। सो देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने में बिग बॉस का अपडेट लेकर के। लास्ट वीडियो में आपने इतना ज्यादा प्यार दे दिया, इतने सारे व्यूज दे दिए कि भाई मैंने एक बंगलो बना लिया है। नंगी लड़कियों का फोटो डालूंगा थंबनेल में, तबाह करके व्यूज दोगे क्या? सो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में, जिसको लेकर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिग बॉस के फैंस पिछले साल से भी ज्यादा एक्साइटेड इस साल में है, और इस बार जो होने वाला है कुछ धमाका। यही बोल बोल करके तो हर साल लूटते हैं, हर साल की तरह फैंस जो है इस साल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और फैंस जानना चाहते हैं कि इस साल वो 16 लोग कौन है। एक्साइटमेंट मुझे नहीं पता क्यों आता है लोगों के अंदर। 16 कंटेस्टेंट के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन बात करूंगा उन दो कंटेस्टेंट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में बस बनाए रखे हुए, लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये लोग बिग बॉस में आए। मैं बात कर रहा हूँ फैसल खान, जिसको हम मिस्टर फैसू के नाम से जानते हैं, और वहीं दूसरी है उर्फी जावेद। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा उर्फी जावेद के बारे में, फैसू भाभी के बारे में बात करूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखो वरना तुम लोगों को ठरक चढ़ेगी और भाग लोगे। तो जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार और जिन लोगों ने ओटीटी पे देखा था बिग बॉस, उन लोगों के अनुसार कि भाई उर्फी जावेद ने पूरा आतंक मचा रखा था, उर्फी जावेद के वजह से ही जो है ओटीटी पे इतने सारे व्यूज आए। सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले उर्फी जावेद के इतने सारे वीडियोस मैंने देख लिए हैं कि अभी सपने में भी उर्फी जावेद ही आती है, बस गर्लफ्रेंड जूता फेंक के मारती है यार। एक और चीज यार, वो जिस तरह से कपड़े पहन करके निकलती है और उसके पीछे में जिस तरह से मीडिया लग जाती है, और उस पे अगर कोई उसको कुछ कह दे तो बंदी कहती है मेरा पीछा मत करो। नहीं अरे दीदी, इन्हीं के वजह से आप फेमस हुए हो, इन्हीं के वजह से तो आप हाईलाइट हुए। यही वो MCBC कैमरामैन है जो कि पिछवाड़े पे कैमरा घुसेड़ करके हीरोइन के आगे पीछे घूमता है। साला नूरा फतेह कभी इतनी हॉट ही नहीं लगती थी जितना इन लोगों ने बना दिया है। जब देखो नूरा फतेह के पता नहीं नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, अरे फेस भी दिखा दिया कर भोसड़ी के। सॉरी, तो उर्फी जावेद कहती है मेरा पीछा मत करो, मैं कैसा भी कपड़ा पहनूं तुमको क्या है। अरे दीदी, वो एक इंच अगर खिसक गया ना। वैसे दिल से चाहता हूँ कि उर्फी जावेद आए और बिग बॉस में दिखे, ऐसा सोचने का नहीं, एकदम पता चला आई ही नहीं, KLPD हो गया तो यार पसीना आ गया। ये सच्ची में इतनी हॉट है क्या? भाई सिर्फ मुंह पोछ करके थका हूं, कुछ और मत सोचो। उर्फी जिसका नाम ढंग से लेना नहीं आ रहा उसके नाम का ही। चलो बहुत हो गया, अब बात करते हैं मिस्टर फैजू के बारे में। ये साला बिग बॉस में कैसे आ गया, मतलब रील्स पे जा करके करने से टैलेंट हो जाता है, लोग स्टार बन जाते हैं कैसे? फैसल से तू ना जलता है? हाँ मैं फैसल से बहुत जलता हूँ भाई, इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा स्टार्डम है। हाँ इतनी जल रही है कि पिछवाड़े में बर्नॉल लगा करके बैठा हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे सोचने वाले अभी वीडियो छोड़ के निकलो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस भाई साहब ने लाइफ में क्या उखाड़ा है जिसकी वजह से बिग बॉस में आ रहा है? नहीं वैसे उखाड़ा तो किसी ने कुछ भी नहीं होता है, जैसे कच्चा बादाम वाली अंजलि, उसने बस अपना कच्चा बादाम ही हिलाए और हिला हिला के वो बादाम भी बड़े हो गए, पर अब क्या ही बोले, दुनिया उसी को टैलेंट बोलती है। और बिग बॉस में 70% लोग जो है ना वो लाइफ में कुछ नहीं उखाड़े होते, उनका पहले एपिसोड से पहले कोई नहीं जानता कि वो क्या थे। कम से कम मिस्टर फैजू को सब जानते तो है कि वो मुजरा करता है, नहीं मतलब कॉन्टेंट क्रिएट करता है। अब किसे अपन भी इंस्टाग्राम को एकदम सीरियसली लेगा ताकि अपन को भी रोकड़ा मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, यही था वो अपडेट जो कि काफी बड़ा था बिग बॉस को लेकर के, और यही वो दो कंटेस्टेंट है जिसके वजह से TRP बहुत हाई जाएगी। ताला पता चला ढिंचाक पूजा और हिंदुस्तानी भाव के जैसे वहां पे जाके लोग सोशल मीडिया में बिग बॉस के घर में खाते नहीं होंगे। ये वीडियो एक अपडेट था जो कि एंटरटेनमेंट के साथ में आपके सामने में परोसना चाहता था, तो प्लीज भड़कना नहीं, एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना। और अगर आपको मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ऐसे और भी अपडेट्स लेकर के आऊंगा। और कहा जा रहा है कि इसका पहला एपिसोड 1 अक्टूबर को जो है रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद से जो है मेरा भी हर दिन वीडियो आएगा कि शो में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मेन हाइलाइट्स लेकर के आऊंगा। अगर आप मिस करते हो कोई एपिसोड या कोई डिस्कशन वाला मामला हुआ तो लेकर के जरूर आऊंगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।